आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे पांच मसालों के बारे में जो किडनी रोगों में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और किडनी रोगी अगर इनका इस्तेमाल करता है तो उसको इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे और वो अपनी किडनी की बीमारी में एक सामंजस्य बैठा करके अपने जीवन को अच्छे से जी सकता है। साथ में ही ये जो मसाले होते हैं ये आपके क्रिएटिनिन यूरिया को भी कम करते हैं और आपके यूरिन को भी बढ़ाते हैं। तो पूरे वीडियो पे बने रहें, जो जल्दबाजी में हैं वो इस वीडियो को छोड़ दें और जो अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वही इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। बेसिल के पत्ते, जिसको हिंदी में तुलसी भी बोला जाता है, तुलसी हर एक घर में पाया जाता है। तुलसी हमारे देश में इसकी पूजा की जाती है और तुलसी के पौधे में देवीय गुण भी पाए जाते हैं। साथ में तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो और जो उसका तना होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप तुलसी का पत्तों का और तने का काढ़ा बना करके 50 ml के करीब सुबह शाम लेते हैं तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज मजबूत होती है। आपके ब्लड में जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। साथ में आपकी बॉडी के अंदर जो एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होतीज हैं वो बढ़ती हैं। इससे आपकी किडनी में चलने वाला इंफ्लामेशन होता है उस पे कंट्रोल आता है। अदरक ज़्यादातर सभी घरों में यूज की जाती है। भारत के अंदर अदरक को बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। भारत ही क्या पूरे विश्व में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। अदरक के अंदर बहुत सारे रोग से लड़ने के लिए फायदेमंद गुण पाए जाते हैं। अदरक के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। साथ में अदरक भूख को बढ़ाने वाली होती है। अदरक डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा कर देती है। अदरक किडनी में चलने वाले जो इन्फ्लामेशन है उस पर भी रोक लगाती है। साथ में अगर आपकी बैक में पेन होता है या आपकी किडनी में दर्द होता है तो आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। आप अदरक का काढ़ा बना कर ले सकते हैं या आप अदरक के पानी से अपने पीछे बैक में जहाँ किडनी होती है वहाँ पे सिकाई कर सकते हैं। लहसुन के बिना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि लहसुन का फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा होता है और साथ में जो लहसुन होता है उसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। लहसुन के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। अगर कोई भी किडनी रोगी लहसुन का प्रयोग करता है अपने खाने में तो उसको कभी भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है वो समाप्त हो जाता है और उसका TLC काउंट भी हमेशा नॉर्मल बना रहता है। साथ में उसके अंदर पुरुषार्थ की भी वृद्धि होती है। अगर वो मैरिड है तो वो अपनी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छे से मेंटेन करके ले जाता है। तो इसलिए लहसुन बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और किडनी रोगी को लहसुन का प्रयोग करते रहना चाहिए। धनिया के बिना कोई भी डिश अधूरी होती है और धनिया खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है सेहत के लिए। धनिया किडनी के लिए एक रामबाण औषधि के तौर पर उपयोग की जाने वाली वस्तु है। धनिया आप सूखे धनिया भी ले सकते हैं और चाहे तो आप हरा धनिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। धनिया पेशाब को बढ़ाता है। धनिया आपके ब्लड को साफ करता है। धनिया किडनी में चलने वाले इन्फ्लेमेशन को रोकता है। साथ में धनिया आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है और धनिया आपकी जो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन डैमेज हो रहे हैं उसको भी रोकता है और उसको भी कंट्रोल करने की पावर रखता है। आपने दालचीनी का नाम तो सुना ही होगा। दालचीनी मतलब इसको इंग्लिश में सिनामोन बोला जाता है। दालचीनी के बहुत सारे औषधीय गुण हैं और दालचीनी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। साथ में अगर आप दालचीनी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट भी दे सकता है। ये दालचीनी सिर्फ आपको एक चुटकी अपने खाने में प्रयोग करनी है। इससे ज़्यादा दालचीनी का प्रयोग आप ना करें क्योंकि दालचीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लीवर को भी ख़राब कर सकता है। दालचीनी के अंदर बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप इसको सीमित मात्रा में लेते हैं तो दालचीनी आपके ब्लड शुगर को लेवल को कंट्रोल रखती है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको दालचीनी अपने खाने में ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। दालचीनी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। साथ में दालचीनी जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी से भी भरपूर होता है और दालचीनी आपके बॉडी के अंदर आपकी किडनी के अंदर होने वाले इन्फ्लामेशन को भी रोक लगाता है। तो फ्रेंड ये पांच जो मसाले हैं ये हर किडनी रोगी को अपने खाने में इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो घंटी का बेल आइकन है प्लीज़ उसको जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे।